हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो आज हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों को ये अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एराइज होते हैं, ताकि कैंडिडेट्स या जो भी आपके जैसे एग्जामिनी हो वो मतलब कन्फ्यूज्ड हों। तो बेटा इसको बहुत ध्यान से समझना, इसमें कुछ नहीं है, जो आप जानते हैं वही चीज़ मैं भी बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसके ट्रिक को समझना है, जो कुछ खास जो मतलब स्पेशल चेंजेज हैं, कैसे इनको चेंज किया जाता है, जो इनको हम हिंदी में विशेष प्रकार के परिवर्तन कहते हैं। तो आइए इसको बहुत ध्यान से समझिए। आप जानते हो बस कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए देखिए, पहले सेंटेंस में है द टीचर सेट, फिर देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, मोनू के बाद देखिए यहाँ कॉमा कर दिया है, आई विल गिव यू अ बुक। अब देखिए जो ये मोनू एक लड़के का नाम है, ये आगे दिया गया है, कॉमा से अलग है, ये अंत में भी हो सकता है। जैसे देखिए अ बुक के बाद कॉमा देकर मोनू यहाँ भी लगाया जा सकता है, तो आपको ये आगे सेंटेंस में रहे या पीछे रहे, लेकिन कॉमा से अलग रहेगा। अब इसके लिए परेशान नहीं होना है, जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप इस जो ये मोनू नाउन है या लड़का का नाम है, इसको आप रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब देखिए मैं आता हूँ आपको, आपकी भाषा में समझा रहा हूँ इस चीज़ को। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में, जो ये पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स वोकेटिव केस में आ जाते हैं। जैसे यही वोकेटिव केस है, देखिए इनको अलग कर दिया गया है मोनू को, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे देखिए द टीचर सेट, अब इस मोनू को हमको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो बनाएंगे द टीचर टोल्ड इसलिए किए क्योंकि मोनू अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द टीचर टोल्ड मोनू दैट इन्वर्टेड कमा का स्थान पर हो गया। अब आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो जो टीचर के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो विल का पास्ट वुड हो जाएगा। गिव, अब देखिए यू है तो यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको ऑब्जेक्ट मोनू के अनुसार बदलेंगे तो यू जो है यहाँ पर हिम हो जाएगा, हिम अ बुक। बस यही चीज करना है। अगला एग्जाम्पल देखिए, द ओल्ड मैन सेट आई एम प्लीज्ड विद यू, फिर कॉमा के बाद देखिए यहाँ पर चिल्ड्रेन कर दिया गया है, चिल्ड्रेन क्या है, नाउन है। तो वो रिपोर्टेड स्पीच में जब भी कोई भी नाउन वोकेटिव केस में आ जाए तो उसको उठा करके हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बाकी रूल सब वही है। द ओल्ड मैन टोल्ड चिल्ड्रेन, अब इस चिल्ड्रेन को उठा करके हमने रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट, आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इसलिए ओल्ड मैन के हिसाब से ही हो जाएगा, ही। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यहाँ पर ही के साथ वॉज हो जाएगा, ही वॉज प्लीज्ड विद। अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसे हम चिल्ड्रन के हिसाब से यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेंगे, तो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल नाउन है, चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए यू जो है ये चिल्ड्रन के हिसाब से देम हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल भी है और चिल्ड्रन थर्ड पर्सन भी है, तो वहाँ पर देम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को रख दिया गया। अब आइए देखिए आगे, रूल ये भी कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में नीड नॉट का प्रयोग किया गया है तो इनडायरेक्ट करते समय इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, नीड नॉट रहे तो। जैसे ही टोल्ड मी,
दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ही के अनुसार बदलेंगे तो ये हो जाएगा ही, नीड नॉट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, नीड नॉट गो देयर। अब देखिए जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि डायरेक्ट स्पीच में नाउ रहे तो इनडायरेक्ट में देन हो जाता है, ये बताया था मैंने वीडियो में आपको, तो यहाँ पर नाउ के स्थान पर क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, बन गया। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसे भी वर्ड्स आते हैं जिनको इनडायरेक्ट करते समय बिल्कुल हटा दिया जाता है, उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, वो बिल्कुल निरर्थक होते हैं, उनका कोई यहाँ पर सेंस नहीं होता है। डायरेक्ट स्पीच में तो रहते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय आपको उन वर्ड्स को हटा देना होगा। अब मैं बता देता हूँ, जैसे वेल है, यू सी है, ओके है, इन सब शब्दों को इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं। आइए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए ही सेड, उसने कहा, अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देखिए वेल रवि, फिर कॉमा कर दिया, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। तो देखिए यहाँ पर वेल शब्द है, ये इनडायरेक्ट बनाते समय हट जाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल में भी देखिए यू सी, यू सी के बाद कॉमा है, फिर आगे सेंटेंस लिखा गया है, तो यू सी को भी हम इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देंगे। एक ओके शब्द है, उसको भी हटा दिया जाता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ही टोल्ड, अब ये रवि तो क्योंकि ये वोकेटिव केस में है तो रवि यहां ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ही टोल्ड रवि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट कर देंगे, और वेल ये बिल्कुल उसको हटा देंगे। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस है तो ही के अनुसार ही हो जाएगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो विल का वुड हो जाएगा, गो टू स्कूल। अभी मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था कि यदि टुमारो रहे डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है, द नेक्स्ट डे हो जाता है। गो टू स्कूल टुमारो के स्थान पर हो जाएगा द नेक्स्ट डे, यहाँ पर द फॉलोइंग डे भी आप कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, द फादर सेड यू सी आई कैन नॉट बियर सच थिंग्स, अब देखिए कैसे बनाते हैं, द फादर सेड दैट, यहाँ पर सेड का सेड होगा क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट हो गया। अब देखिए यू सी ये बिल्कुल यूजलेस है, इसका कोई रोल नहीं है इनडायरेक्ट में, इसलिए इनको हम हटा देंगे क्योंकि इनडायरेक्ट में बिल्कुल ये निरर्थक हैं, तो यू सी को हम गायब कर देंगे। अब आई देखिए फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस है, द टीचर के हिसाब से बदलेंगे तो आई का यहाँ पर ही हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो कैन का पास्ट कूड हो जाएगा, कूड नॉट बियर सच थिंग्स। बस इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्कूल एग्ज़ाम के भी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और मेनली ये कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे हमेशा टकराते रहेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच में, ये आपको यही ध्यान देना है, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसको आप, बल्कि ना होगा तो नोट्स आप लोग बनाते तो और बेटर होता। देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई काल्पनिक सेंटेंस हो, कोई काल्पनिक बात कही गई हो जो बिल्कुल असंभव हो, इस तरह का जब सेंटेंस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो उनके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उनके प्रोनाउन में पर्सन में चेंजिंग होंगे, लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस काल्पनिक होगा जो लगता है कि बिल्कुल असंभव ये हो ही नहीं सकता, उस कंडीशन में हम
उस टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आइए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, मोहन सेठ, मोहन ने कहा, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पंछी होता, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ जाता। अब आप बताइए कि क्या मोहन या कोई भी इंसान क्या अब पंछी हो सकता है? बिल्कुल काल्पनिक चीज़ें हैं। तो इस तरह के जब सेंटेंसेज होते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे मोहन सेड दैट, इफ है तो इफ लिखेंगे, इफ आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो मोहन के हिसाब से ही हो जाएगा। अब देखिए, वर जो टेंस है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वर है तो वर ही रहेगा, वर अ बर्ड, फिर कॉमा के स्थान पर कॉमा, फिर आई है, नॉमिनेटिव केस है इसलिए मोहन के हिसाब से ही हो जाएगा, ही वुड फ्लाई। देखिए, किसी भी तरह का टेंस का परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमेशा आपको याद रखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस काल्पनिक है तो उसके टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आप नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, इफ आई वर हियर, यदि मैं यहाँ होता, आई वुड प्रिवेंट इट, मैं इसे मना करता। देखिए, ये भी काल्पनिक है, ही टोल्ड अस दैट If, अब आई है यानी ही के हिसाब से चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही, वर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ही वर। अब देखिए, मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट स्पीच में हियर रहे तो इनडायरेक्ट में देयर हो जाता है, अब यहाँ हियर का देयर हो जाएगा, फिर कॉमा के स्थान पर कॉमा, फिर आई नॉमिनेटिव कैसा है, ही के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ भी ही हो जाएगा, He would prevent it. Prevent it बन गया। अब अगला टॉपिक आप समझिए, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू, कंग्रेचुलेशन, अश्योर, फील, होप, ये शब्द आते हैं। तो यदि होप रहे, फेल रहे, अश्योर रहे, कॉन्ग्रेचुलेशन रहे, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन सब शब्दों को हम रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं। जैसे थैंक यू है तो थैंक्ड कर देंगे, यानी सेड के स्थान पर थैंक्ड कर देंगे, सेड के स्थान पर मान लीजिए फील है तो फेल्ट कर देंगे। देखिए, आप एग्जाम्पल समझेंगे तो ज़्यादा इसको समझेंगे। द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, नौकर ने मालिक से कहा, थैंक यू, उन्हें धन्यवाद देता है, फॉर योर हेल्प, आपके मदद के लिए जो नौकर है अपने मालिक को धन्यवाद देता है। तो देखिए, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में आया है थैंक, तो थैंक है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर थैंक्ड को हम वर्ब बना देंगे। फील आया है, यहाँ देखिए फील है तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब बना देंगे, यानी फेल्ट हो जाएगा। यहाँ होप आया है, इनडायरेक्ट बनाते समय इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं, यानी होप्ड हो जाएगा। मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में अश्योर आया है तो अश्योर्ड रिपोर्टिंग वर्ब बना देंगे। मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में कॉन्ग्रेचुलेशन आया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय कॉन्ग्रेचुलेशन को हम कॉन्ग्रेचुलेटेड रिपोर्टिंग वर्ब बना देंगे। जैसे The servant said to the master, thank you for your help. अब देखिए, इस सेंटेंस में जो सर्वेंट है अपने मालिक को थैंक यू कह रहा है, यानी जब थैंक यू आया है तो ये जो थैंक शब्द है सेड के स्थान पर प्लेस हो जाएगा, यानी द सर्वेंट, अब सेड के स्थान पर क्या हो जाएगा, थैंक्ड हो जाएगा, Thanked the master।
अब जो ये कंजंक्शन यहाँ दैट नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर जो है कंजंक्शन के रूप में यहाँ से जोड़ देंगे फॉर। योर जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, पॉजेसिव केस है, तो मास्टर के हिसाब से हीज हो जाएगा, हीज है बन गया। अब अगला एग्जांपल देखिए, राम सेड आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड। अब देखिए यहाँ पर फील है, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फील जो है सेड के स्थान पर ये प्लेस हो जाएगा। जैसे राम फील, यानी सेड पास्ट फॉर्म में है तो फील का पास्ट फेल्ट हो जाएगा, राम फेल्ट। फिर सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड, तो बनाएंगे कि राम, अब देखिए फील का फेल्ट हो गया, राम फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट आई है, फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस है तो राम के हिसाब से ही हो जाएगा, ही। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हैव का पास्ट हैड हो जाएगा, सेट। दैट्स वेरी सिंपल। एंड लास्ट एग्जाम्पल, ही सेड आई होप माई फ्रेंड विल कम टूडे, उसने कहा मैं आशा करता हूँ मेरा मित्र आज आएगा। तो देखिए इसमें होप है, यानी जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस होप को हम सेड के स्थान पर प्लेस कर देंगे, ही होप्ड दैट। अब देखिए आई होप का कोई अब इंपॉर्टेंस नहीं रहा, होप आ गया रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर। अब इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इसमें दैट लगेगा, क्योंकि यहाँ इस सेंटेंस में माई फ्रेंड जो है सब्जेक्ट है, अब माई है तो ही के अनुसार हीज हो जाएगा, हीज फ्रेंड। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो विल का पास्ट वुड हो जाएगा, कम, और टुडे के स्थान पर दैट डे हो जाएगा, दैट डे। बस बेटा यही सबसे मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये सब जब परीक्षा में आते हैं और आप इसको अच्छी तरह से नहीं समझे होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, 100% वहाँ गलत होने का चांसेज रहता है। तो बेटा आप इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार देखिए, अच्छा से देखिए, कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, और आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। फिर हम कल नए वीडियो के साथ कल मिलेंगे आपसे, तब तक जय हिंद।